पीएम मोदी के संबोधन के बाद विपक्ष की राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया में रेवेन्यू और जीएसटी से आमदनी में आई गिरावट का जिक्र करते हुए सवाल किया कि आखिर 20 लाख करोड़ के पैकेज की रकम कहां से आएगी। वहीं लेफ्ट ने पलायन कर रहे मजदूरों और भूखे लोगों को राहत देने के बारे में संबोधन में जिक्र न करने पर सवाल उठाए। सवाल ये भी पैदा होता है कि जो 20 लाख करोड़ की जो बात कही है, जिसमें 1,75,000 पहले से अनाउंस किया, स्टिमुलस डिक्लेयर किया जा चुका है, ये पैसा कहां से आएगा। और उम्मीद रखते हैं कि वित्त मंत्री जी इसके बारे में विस्तार से बताएंगी, क्योंकि जो टैक्स रेवेन्यू है वो पूरी तरह से गिरी है, जीएसटी का है वो पूरी तरह से गिरी है, बल्कि माह अप्रैल के जो फिगर्स जीएसटी के कितना कलेक्शन हुआ उसकी फिगर जारी नहीं की है, अभी तक जारी नहीं की है। जो सवाल हैं देश के सामने, तीन मुख्य बातें। पहला, करोड़ों की तादाद में जो अपने भाई बहन पैदल घर पहुंच रहे हैं, अपने कई दिनों से वो सड़कों पर चल रहे हैं, कई लोगों की जान चली गई, आज वो भूखे वो पैदल मार्च कर रहे हैं अपने घर पहुंचने के लिए, उनके लिए कुछ व्यवस्था, उनके लिए कुछ राहत की अपेक्षा जो कर रहे थे हम सब, उसके बारे में कुछ बात नहीं आई प्रधानमंत्री से। उनको मुफ्त रेलगाड़ियों में उनको घर भेजिए वापस, इसके बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने, अफसोस की बात। इसी के साथ पीएम मोदी ने संबोधन में आर्थिक पैकेज का जिक्र करते हुए ये साफ किया कि 20 लाख करोड़ का मतलब भारत की 10% जीडीपी है। ऐसे में अब भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन देशों ने कोरोना के दौर में बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की। कौन से हैं वो देश, इस बारे में ग्राफिक्स के जरिए आप ये भी जान लीजिए। जापान ने अपनी जीडीपी का 21% पैसा आर्थिक पैकेज के रूप में लगा दिया है। इसके बाद अमेरिका ने 13% जीडीपी की रकम कोरोना से लड़ने में लगा दी है। यूरोपीय देश स्वीडन ने भी जीडीपी का 12% हिस्सा कोरोना के खिलाफ लगा दिया है। जर्मनी भी जीडीपी का 10.7% कोरोना के खिलाफ लगा चुका है। पीएम मोदी ने भारत को भी इस सूची में खड़ा कर दिया है। भारत जीडीपी का 10% हिस्सा कोरोना के खिलाफ आर्थिक पैकेज की तरह इस्तेमाल करेगा। फ्रांस की जीडीपी का 9.3% हिस्सा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगा दिया गया है। इससे इतर स्पेन ने जीडीपी का 7.3% हिस्सा देश की गति देने में लगा दिया है। इटली ने जीडीपी का 5.7% हिस्सा, यूके ने अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा, चीन ने अपनी जीडीपी का 3.8% हिस्सा और साउथ कोरिया ने अपनी जीडीपी का 2.2% हिस्सा कोरोना के खिलाफ आर्थिक पैकेज की तरह इस्तेमाल किया है। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।